बाबा साहब 1891 में मध्य प्रदेश की महू जो एक मिलिट्री स्टेशन है वहां पर पैदा हुए थे। उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सेवारत थे। उसके बाद में बाबा साहब की शिक्षा हुई और बाबा साहब ने वो मुकाम हासिल किया कि उनको शिक्षा का सूर्य कहा जाने लगा। आज बाबा साहब के बारे में उनकी जीवनी को याद करते हुए अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो बाबा साहब ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या क्या त्याग किए और उनकी जो शिक्षाएं हैं, अगर हम उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे तो इस समाज को आगे रास्ता ले जा सकते हैं। उन्होंने जो कारवा बनाया था और जहां तक लाए थे उसको हम आगे ले जा सकते हैं। अगर हम उनको पूजा पाठ में ही लगा देंगे, बाबा साहब की पूजा करने लगे, तो उस पे हम उस कारवा को पीछे ले जाने के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। बाबा साहब ने अपने जीवन में सबसे अधिक जो महत्व दिया वो शिक्षा को दिया। बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरी जो माता बहनों से अपील है कि वो अपने बच्चों को अवश्य शिक्षा दें, चाहे एक रोटी कम खाएं, चाहे उनको वस्त्र कम दें, लेकिन उनको शिक्षित अवश्य करें। अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसमें तर्क शक्ति आ जाती है और तर्क शक्ति तर्कमान व्यक्ति को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता, उसको गुलाम नहीं बना सकता। और जो व्यक्ति अशिक्षित है, जिसमें तर्क शक्ति नहीं है, जो केवल मानने की बात करता है, उसको जो भी बात मान दो बता दो वो मान लेता है, तो व्यक्ति आधा गुलाम हो जाता है। तो इस गुलामी से दूर रहने के लिए सबसे पहला जो आपका कदम है वो है शिक्षा। शिक्षा सभी दरवाजों की कुंजी है और शिक्षित व्यक्ति हर मकसद को प्राप्त कर सकता है। बाबा साहब ने जितनी भी अपने जीवन में सफलताएं हासिल की वो शिक्षा के बल पर ही की। जो हमारे देश में जब संविधान बनने की प्रक्रिया आरंभ थी तो उस संविधान सभा में कोई भी व्यक्ति बाबा साहब को अंदर लेने के लिए राजी नहीं था। कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि हमने दरवाजे और खिड़कियां सारी बंद कर दी हैं, देखते हैं अंबेडकर कहां से उठेंगे। लेकिन उनकी शिक्षा की बदौलत ही मजबूर होकर के उस समय के भारत के नेताओं को उनको अलग से सीट दे करके जिता करके और फिर संविधान सभा में ले जाया गया और उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बाबा साहब ने संविधान लिखते समय ये यकीन किया कि किसी भी समाज के साथ में, किसी भी धर्म के साथ में कोई भी अन्याय न हो। अपने पूरे जीवन में बाबा साहब ने किसी की कभी कोई आलोचना नहीं की, नहीं किसी धर्म की और नहीं किसी व्यक्ति की। बाबा साहब ने हमारे संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीन जो प्रमुख जो बातें हैं, सभी जो आज के लोग जो आलोचक हैं बाबा साहब के, वो बोलते हैं कि बाबा साहब ने ये विदेशों से ली है ये चीजें। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने ये तीनों चीजें बुद्ध धर्म से ली हैं। बाबा साहब ने इतना अध्ययन किया, मेरे अनुसार, मेरे हिसाब से भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इतना अध्ययन किया हो। बाबा साहब के समय में जितने भी धर्म प्रचलित थे सभी धर्मों के बारे में बाबा साहब को गहन अध्ययन था, उनको ज्ञान था। और तभी बाबा साहब ने जब ये देखा कि कौन सा धर्म हमारे समाज के लिए समुचित है, उचित है और आगे ले जाने के लिए काम करेगा,
तब बाबा साहब ने 1935 में ये घोषणा की थी, जो हिंदू धर्म की कमियां थी उसको ध्यान में रखते हुए, कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। और अंत में बाबा साहब ने 1956 में इस धर्म को त्याग करके और नया धर्म ग्रहण किया, बुद्ध धर्म। तब बाबा साहब ने कहा था कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। तो बुद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले बाबा साहब ने बहुत अध्ययन किया। बाबा साहब की व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 35,000 पुस्तकें थी, और उन सभी पुस्तकों में बाबा साहब ने पढ़ करके उसमें उनको अंडरलाइन भी किया था। तो इससे ये पता चलता है कि बाबा साहब ने हर पुस्तक को पढ़ा हुआ था। बाबा साहब का जो प्रमुख वाक्य है वो है, शिक्षित बनो, उद्वेलित हो और संगठित हो। मैंने ये वर्ड उद्वेलित जो है प्रयोग किया है, आप लोगों ने संघर्ष शब्द इसके बारे में सुना होगा। संघर्ष शब्द जिसने भी इसका अनुवाद किया है, एजिटेशन वर्ड है इंग्लिश का, उसका अर्थ कभी भी संघर्ष नहीं होता। तो ये गलत अनुवाद है, सही अनुवाद है उद्वेलित होना, मानसिक रूप से उद्वेलित होना। ये हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमारे साथ में जो भी भेदभाव है वो क्यों होता है? आप सबको ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब थे तो हम हैं, अगर वो नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। न तो हमें बोलने का अधिकार था, नहीं शुद्ध पानी पीने का अधिकार था, न कपड़े पहनने का अधिकार था, और नहीं अपने हिसाब से कोई भी उद्योग करने का या किसी भी प्रकार का आपको शिक्षा का अधिकार, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। हमारा जीवन एक पशु के समान था। बाबा साहब ने हमारा उद्धार करके हमें मनुष्य बनाया। हमारा सभी का कर्तव्य है कि बाबा साहब के इस कारवां को आगे ले जाए। बाबा साहब ने एक बार दुखी होकर के बोला था कि मुझे मेरे शिक्षित साथियों ने धोखा दिया है, मेरी समाज के शिक्षित लोगों ने धोखा दिया है। और उन्होंने बोला था कि मेरी अपील है कि इस कारवां को बड़ी मुश्किल से मैं इस मुकाम तक लाया हूं, अगर आप इसको आगे नहीं ले जा सकते तो इसको पीछे मत ले जाना। तो मैं आप लोगों से एक ही अपील करूंगा कि बाबा साहब के बारे में कोई कुछ भी बोले, उन बातों को मानो मत। बाबा साहब को जानो, जानने के लिए बाबा साहब को पढ़ो, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जान जाएंगे। और जाना हुआ व्यक्ति जागा हुआ व्यक्ति होता है, और जागा हुआ व्यक्ति को कोई भी आदमी धोखा नहीं दे सकता। इसी के साथ में आप लोगों ने मुझे यह समय दिया, मेरी तरफ से एक क्रांतिकारी जय भीम, मेरी तरफ से बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, थैंक यू।